5 साल की वारंटी है इसमें। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज के इस ब्लॉग की स्टार्टिंग हम 6 बजे कर रहे हैं, तो अभी का टाइम 6 हो रहा है। और आज के ब्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमारे गांव में आलू की बुवाई किस तरह से की जाती है। तो गाइज, दादा दादी और मम्मी सभी बाग में पहुंच चुके हैं। तो हमारा छोटा सा खेत होता है ना, जो 1 बीघे का, तो उसको हमारी भाषा में बाग कहते हैं, और वैसे तो खेती हुआ। और गाइज, यहाँ पे आलू देख सकते हो, आलू में ये छोटे छोटे कले निकल आए हैं, यानी कि अब ये बुवाई के लिए पूरे तत्पर हो चुके हैं। तो गाइज, अभी फटाफट से चलते हैं अपने बाग में, और सब लोग पहुँच चुके हैं। अभी मैं घर पे रह गया, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही सो के उठा था, अभी फ्रेश होके फिर मैंने कहा चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देता हूँ। तो गाइज, अब सीधा चलते हैं खेतों में, और वहाँ पे आपको दिखाएंगे किस तरह से हमारे गाँव में आलू की बुवाई होती है। गाइज, मैं पहुंच गया हूं अपने खेत में, यानी कि छोटे से बाग में। अभी यहां आलू की बुवाई हो रही है। तो यहां पे देखो, ये किस तरह से आलू रख दिए हैं दादी ने। ये देखो, ये अभी इस पे फोड़े से इसकी मेहड़ बनाई जाएगी। तो बढ़िया से अभी बनाता हूं, फिर आपको दिखाऊंगा। गाइस, यहाँ पे देखो कितना गीला खेत है, और यहाँ पे आलू की बुवाई हो रही है। फावड़ा चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, खेत सूखे नहीं है बारिश की वजह से। अभी तक बारिश का कहर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, और यहाँ दादाजी बुवाई कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। बोते हालत खराब हो चुकी है, बिल्कुल पसीना पसीना हो गए हैं। और आप देखो इतनी गीली मट्टी है, इसमें फोड़ा भी नहीं चल रहा है। ये फोड़ा चल रहा है, देखो ये इसकी क्या हालत हो गई है। फोड़े की मट्टी इसमें पूरी तरह से चिपक गई है। तो यार बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है इस बार, और साल तो ऐसा करना नहीं पड़ता था। तो गाइस, अभी बुवाई हो चुकी है, तो एक गवेल बची है, यानी कि एक लाइन। तो ये पूरी इस तरह से बुवाई हो चुकी है, कुछ इस तरह से बोते हैं। तो गाइस, अभी घर चलते हैं, खाना वगैरह खाएंगे। बुवाई हो चुकी है कंप्लीट, और ये लगा दिया है जकरा, ताकि ये यहाँ के जो कुत्ते वगैरह होते हैं ना, मुर्गे मुर्गी वगैरह होते हैं, तो वो यहाँ पे आके अपने पंजों से खुदाई करने लगते हैं। तो इसलिए ये लगा दिया है आड़ बेड़ करने के लिए बढ़िया तरीके से। तो फाइनली गाइस, आलू की बुवाई कंप्लीट हो चुकी है, और इस तरफ देखो आलू बोने के बाद खेत का दृश्य कुछ इस तरह से काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो गाइस, अभी आलू की बुवाई के बाद मैं अपने घर आ चुका हूँ, और बिल्कुल नहा धो के रेडी, खाना पीना खा के बिल्कुल रेडी हो गया हूँ। तो गाइस, अभी मेरे दोस्त का, जो गांव का दोस्त है मेरा, तो उसने कॉल किया कि यार मेरी बाइक का टायर खराब हो चुका है, तो यार उसकी बाइक का टायर चेंज कराए, हमें सितारगंज शॉप में जाना है। तो गाइस, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस ब्लॉग में कि बाइक का टायर कितने का पड़ता है, और वो किस तरह से बाइक में चेंज होता है, रिपेयर होता है। तो गाइस, फटाफट चलते हैं सितारगंज की मार्केट में, हमको जाना है, तो सीधा वहीं पे जाके मिलते हैं, और आपको दिखाएंगे कि टायर कितने रुपए का मिलेगा। अभी हम आ गए हैं न्यू शुभ टायर्स वाली शॉप में, तो अभी आपको अंदर जाके दिखाते हैं कितने सारे टायर हैं, कितने रुपए में मिलते हैं। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं ये टायर वाली शॉप में, तो ये न्यू शुभ टायर, ये यहाँ शॉप का नाम है। तो गाइस, यहाँ देखो कितने बड़े बड़े टायर हैं, और अंदर उनका शॉप है, अभी आपको दिखाऊंगा मैं अंदर जाके। बाइक है, हमारा पूरा स्टाफ यही टायर डालता है, लड़के के भी बाइक में, मेरी भी बाइक में यही टायर है, बहुत बेहतरीन। कौन सी कंपनी को है रे?
वारंटी कार्ड हमको दिया है, रसीद, वारंटी रसीद एक साल की, क्योंकि 5 ईयर बेटा है, 5 साल की वारंटी है इसमें। अभी हम अपने घर पहुंच चुके हैं और फाइनली आज सारे काम कंप्लीट हो गए। आलू की बुवाई भी हो चुकी है, सुबह से कर रहे थे, और गाइस बाइक का टायर भी चेंज हो चुका है, तो बाइक का टायर 2+ डलवा लिया है। तो गाइस कौन सी शॉप से डलवाया आपको मैं बता देता हूं। तो गाइस न्यू शुभ टायर्स, ये सितारगंज मार्केट में इनकी शॉप है। तो गाइस इसकी लोकेशन मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप यदि मेरे इस वीडियो को देख के जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो गाइस आई होप आज का ये ब्लॉग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और घंटी को ऑल पर प्रेस कर देना। तो गाइस अभी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।